महाराष्ट्र के भाजपा के विधायकों को मंत्री पद के लालच में खंडनी मांगने वाले आरोपी नीरज सिंह राठौर को नागपुर पुलिस गुजरात से गिरफ्तार कर नागपुर ले आई है। आरोपी ने नागपुर पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने विधायकों को फोन किए थे। आरोपी के विधायकों को किए गए फोन रिकॉर्डिंग बीसीए न्यूज के हाथ लगे है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर मंत्री पद का झांसा देकर खंडनी मांगने वाले आरोपी नीरज सिंह राठौड़ को गुरुवार को गुजरात से नागपुर लाया गया। भाजपा के मध्य नागपुर के विधायक विकास कुम्हारे की शिकायत पर तहसील पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी ने नागपुर पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने मंत्री पद दिलाने के लिए विधायकों को फोन किए, मगर किसी विधायक ने उनके झांसे में आकर उसे पैसे दिए नहीं। गुरुवार को आरोपी का मेडिकल कर उसे न्यायालय के सामने हाजिर किया गया। बरोबर, आरोपी ताब्यात घेतलेला आहे आणि मॉडेलने त्याला हजर केलेलं आहे आमच्याकडे। सध्या प्राथमिक तपास चालू आहे, डायरी आताच मला प्राप्त झालेली आहे आणि आम्ही तपास करतो आहे। सध्या तरी अजून आमचे ज्या प्राथमिक फॉर्मॅलिटीज आहेत ते पूर्ण व्हायचे आहेत आणि त्यांनी सध्या गुन्हा कबूल केलेला आहे आणि सविस्तर जी माहिती आहे त्या पिशानंतर तुम्हाला दिल्या जाईल। सध्या तरी आता त्यांनी गुन्हा कबूल केला, त्यांनी कबूल केलेला आहे आणि पुढचा मी तपास करत आहोत। आता ते आम्ही वैद्यकीय तपासणी करणार आहोत, त्यानंतर त्याला आम्ही कोर्टात पेश करू आणि कोर्टात पेश केल्यानंतर त्याचा पिशार घेऊन पुढील तपास केला जाईल। तो टाईल्सचं मध्ये कंपनीमध्ये काम करतो आहे तो आणि ब्रोकरचं काम करतो आहे। अजून सविस्तर पुढली चौकशी करायला वेळ मिळालेला नाही आहे आणि तपास म्हणजे पिशार गेल्यानंतर सविस्तर चौकशी केला जाईल आणि त्याप्रमाणे माहिती दिली जाईल तुम्हाला की त्याने फोन कॉल केला असं कबूल त्याने केलेला आहे, इतकंच बोलला आहे तो। नाही, बाकीचं त्याने सगळं सांगितलेलं नाही, पण त्यांनी गुन्हा केला त्यांनी सध्या कबूल केलेला आहे, पण तो डिटेल्स अजून व्हायचं आहे। आरोपी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर इन विधायकों को फोन किए थे जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग बीसीएन के हाथ लगी है। इस रिकॉर्डिंग में आरोपी विधायक को मनचाहा मंत्री पद मिलने की बात वह कह रहा था, साथ ही पार्टी फंड देने की बात भी वह कह रहा था। हाँ नीरज जी। हाँ विकास जी, हम अभी पहुंचे, आपका फोन आया, तब एयरपोर्ट से निकल रहे थे बाहर। जी जी, इसलिए नहीं उठाए थे। हाँ जी जी, कहाँ, मुंबई पहुंच गए आप? हाँ मुंबई पहुंच गया। तो बात ले थी विकास जी, सर ने ये पूछा था जी कि पोर्टफोलियो आप कौन सा पसंद करेंगे? कोई भी दीजिए ना। नहीं मतलब आपकी भी पर्टिकुलर कुछ ऐसी इच्छा? मैं शहर में रहता हूँ। शहर का कोई भी डिपार्टमेंट दे देंगे तो अच्छा होगा। शहरी विकास मंत्रालय चलेगा? हाँ जी चलेगा, है ना। हाँ जी जी। और सर ने एक चीज ये जो आपको करने को कही थी कर्नाटक के लिए, कि अभी 13 तारीख का जब कर्नाटक के रिजल्ट आएंगे जी, है ना, तो उसमें आपको कुछ पार्टी फंड के लिए कुछ करना होगा आपको, क्योंकि कर्नाटक में स्पष्ट सरकार बनती नहीं दिख रही है जी, है ना, तो वो जोड़ तोड़ से बनेगी जी, तो उसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा है सर ने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। और वो जो भी आदेश होगा सर का वो बताएंगे आपको फिर। ठीक है सर। ठीक है विकास जी। ओके ओके जी। और बताइए। बस बाकी सब ठीक है। ठीक है जी। और चलिए, आप मंत्री बनने के बाद भूल नहीं जाइएगा हम छोटे लोगों को। नहीं नहीं, कैसे भूलेंगे भाई। एक रिकॉर्डिंग में तो आरोपी ने विधायक को संघ का गुजरात शिक्षा शिविर में आपकी ओर से सहयोग करने की भी बात कर रहा है, साथ ही वो बार बार कर रहा है कि ये सर का मैसेज है। हेलो। हाँ बोलिए सर। नीरज जी बोलिए। हाँ विकास जी। हाँ जी। हाँ सर ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा था। हाँ बोलिए ना। गुजरात के वडोदरा में जो संघ का शिक्षा संवर्ग शिविर हो रहा है, उसमें कुछ सहयोग आपकी तरफ से करने के लिए कहा है सर ने। क्या करना? कुछ सहयोग आपकी तरफ से। जी जी, मैं समझा नहीं। वडोदरा में शिक्षा संवर्ग शिविर हो रहा है संघ का। हाँ जी। यहाँ पे मोहन भागवत जी 5 दिवसीय दौरे पर है। हाँ। वहाँ पे कुछ व्यवस्थाओं के लिए आपको निर्देश किया सर ने। क्या देना है बोलिए ना। मतलब भोजन की व्यवस्था 2 दिन की आप देख रहे हैं। तो किसको क्या देना है वो बताइए ना क्लियर। मैं अभी मैं तो नागपुर में हूँ। तो मैं सर से कंफर्म करके आपको 4 या 5 बजे कॉल करता हूँ, या हो सकता है आपकी बात ही करा दूंगा मैं। ठीक है ठीक है। एक रिकॉर्डिंग में तो आरोपी विधायक को करोड़ों रुपए की मांग करते हुए सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, आपने कॉल नहीं किया फिर बाद में? नहीं सर, मैं फिर उसके बाद कार्यक्रम में थे ना। अच्छा, तो अभी फ्री है? हाँ अभी फ्री हूँ, अभी फ्री। तो सर ने वो कहा था ना 2 दिन के लिए। हाँ तो बोलिए ना कितना भेजना है। 2 दिन का जो होगा विकास जी वो करीब 1.65 या 1.70 के बीच में है कुछ, वो मैं सुबह फिगर आउट करके कंफर्म करके आपको सुबह बता पाऊंगा। जी जी ठीक है।
70,000 गया, 1,70,000, एक एक पैंसठ सत्तर एक सत्तर यानी 2 लाख के नजदीक। हाँ हाँ, क्योंकि मतलब 2-3 4 हजार लोगों का कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे भारत से शिक्षा संवर्ग शिविर है ना, भव्य स्तर पर होता है ठीक है। जी। पर सर मैं क्या बोला, मेरे को फाइनल ये बता दी कितना पैसा लगेगा। ये मैं सुबह फिगर आउट करके जो कैटर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वहाँ भोजन नहीं का। नहीं ये तो भोजन का हो गया, ये तो मैं करवा दूंगा, तो उसके बाद भी और कुछ लगता होगा तो फिर बता दीजिए मुझे फाइनल, क्योंकि मेरी नहीं, कैपेस। और नहीं, हमें हम अपनी तरफ से क्या बता पाए, जो सर ने आपको आदेश किया वही हम आपको बता रहे हैं। नहीं सर को एक बार पूछ लीजिए ना कितना देना पड़ेगा मेरे को। नहीं ऐसा कुछ देने देने का तो है नहीं, और दूसरा अगर ऐसा कुछ होगा तो आपकी बात कर देंगे, डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम नहीं पूछ सकते ना, ये आप जानते हैं, हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते ना उनसे किसी भी चीज के लिए। ठीक है ठीक है ठीक। आरोपी जेपी नड्डा की आवाज निकाल कर विधायक से डील करते हुए सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो, हाँ विकास जी चालू रखिएगा। हाँ जी हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है विकास? हाँ जी हाँ जी, कैसे? बस बढ़िया सर। विकास सेक्रेटरी ने हमारे कुछ बताया होगा आपको? हाँ जी बताया। उसमें 2 दिन के भोजन की व्यवस्था आपकी तरफ से देख लो आप। नहीं सर क्या कर रहे हैं वो ऐसे क्लियर बताइए ना, मैं तो नागपुर में हूँ और वो गुजरात में, करना है तो क्या करना है वो बता दीजिए। तो जो फूड कॉन्ट्रैक्टर है हमारे, हाँ हाँ, तो उनके डिटेल हमारे सेक्रेटरी से लेके आप उन्हें ट्रांसफर करके उसकी रिसिप्ट जो होगी वो भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक नहीं कितना पैसा देना है, क्या देना है, यानी मेरे दो वो सेक्रेटरी से पूछ लेना, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम वही अरेंज कर रहे हैं, अच्छा तो वो उनको ही पता है कि फूड का बिल और ये सब कितना है। जी जी ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू भाई। एनबीसी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।